जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान है। जो इस वीडियो को सुनेगा कोई परम सौभाग्यशाली ही होगा। जो इसे सुनेगा उसकी तुरंत किस्मत बदल जाएगी। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना। भगवान गीता में अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अपने नियम में बड़े तत्पर कितने ही योगी द्रव्य यज्ञ करते हैं, कितने ही तप यज्ञ करते हैं और कितने ही योग यज्ञ करते हैं और कितने ही वेद का पठन पाठन रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। लेकिन कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, कुछ दूसरे योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं और कितने ही प्राणायाम में तत्पर योगी प्राण और अपान की गति को रोककर आहार को नियमित कर प्राणों को प्राणों में ही होमते हैं। ये सब यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यज्ञों से बचा हुआ अन्न अमृत स्वरूप होता है, उसका भोजन करके लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक सुखकर है न परलोक सुखकर है। इस तरह से अनेका अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी के मुख रूप वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित किए गए हैं। इनकी उत्पत्ति कर्म से है ऐसा जानना चाहिए। यह जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और आगे क्या बताया है, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जितने भी कर्म है वे सब ज्ञान यज्ञ में पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तू उनकी सेवा एवं प्रणाम कर भक्ति पूर्वक प्रश्न कर। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझको कभी मोह नहीं होगा और तू समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में व मुझ में ही देखेगा। और लास्ट में क्या बताया है भक्तों, यदि तू सब प्राणियों से अधिक पापी होगा तो भी इस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर भव सागर से पार हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और प्राण अपान रूपी प्राण प्राण रूपी हवन की प्रक्रिया को जो मनुष्य जानते हो उनकी सेवा करके, उनकी पूजा अर्चना करके उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करें तो निश्चय ही आप मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त होगे। यह परम ज्ञान है श्री कृष्ण का। जय श्री राम।